फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे अपने घर पे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं राजमा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर स्टाइल में हम राजमा बनाएंगे। मेरे हस्बैंड हैं जम्मू से एंड उनका फेवरेट डिश है राजमा। तो सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है, बट मेरा तरीका कुछ अलग है क्योंकि हम जम्मू स्टाइल में बनाते हैं। एंड आप मेरे तरीके से एक बार बना के देखिएगा, आई एम वेरी श्योर आप हर बार इस तरह से बनाना जरूर पसंद करेंगे। तो आज हम बनाते हैं एंड आप खा के जरूर मेरे को कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने राजमा को ओवरनाइट भिगो के रखा था पूरी रात के लिए एंड उसके बाद इसको धो लिया है। एक कटोरी हमने ली थी राजमा, जो कि इतना सारा हो गया है फूल के। एंड ये राजमा हमने जम्मू से लाया था, तो बहुत अच्छा राजमा है ये। यही हम वहाँ से लाके ही बनाते हैं हमेशा। तो अब हम इसको कुकर में डाल देते हैं क्योंकि हमें इसको 4 से 5 सीटी लगानी है। बॉईल कर लेते हैं इसको, उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो इसमें अभी हम पानी ऐड करने वाले हैं। पानी हम ऐड करेंगे 3 ग्लास। इसी ग्लास से हम 3 ग्लास पानी डालेंगे। पानी हम थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि आगे जब मेरे को सब्जी बनानी होगी तो मेरे को पानी अलग से नहीं यूज़ करना पड़ेगा। यही बॉयल्ड जो राजमा का पानी होगा वही हम यूज़ करेंगे, तो बस इसलिए हमने 3 ग्लास पानी डाली है। एंड आधी चम्मच हमने इसमें नमक डाल दी है। तो अब हम इसको बंद करके गैस पे चढ़ा देते हैं एंड सीटी आने देते हैं। तो जो सबसे पहली सीटी आएगी वो हम तेज गैस पे रखेंगे। पहली सीटी आ जाएगी उसके बाद हम गैस को कम कर देंगे एंड 4 से 5 सीटी लगाएंगे। यहाँ हमने मसाले के लिए ले लिया है 2 मीडियम साइज की प्याज, जो कि हमने रफली चॉप की है। टमाटर एकदम लाल लीजिएगा आप, पकी हुई टमाटर, जिससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है सब्जी में। एंड इसके बाद हमने लहसुन ली है, अदरक एंड 1 हरी मिर्च ली है। लहसुन हमने 10 से 12 कलियाँ ली है। हरा धनिया ले लिया हमने गार्निशिंग के लिए एंड हमने सरसों तेल हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। नमक लिए हमने एज़ पर टेस्ट। 1 चम्मच हमने जीरा ले लिया है एंड ये मसाला हम जम्मू से लाते हैं खासकर राजमा के लिए। ये टिक्की मसाला होता है एंड इससे राजमा बहुत अच्छा बनता है। अगर ये नहीं है आपके पास, आप कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर लीजिएगा, इससे बहुत अच्छा कलर भी आता है एंड टेस्ट भी आता है। एंड इसके बाद हमने 1 चम्मच ले लिए हल्दी एंड गरम मसाला लिए 1 चम्मच, जो लास्ट में यूज़ करेंगे, एंड धनिया पाउडर लिया 1 चम्मच। तो अब हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। तो हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है एंड हम मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं इसके लिए। राजमा में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो तेल गरम हो जाएगा, इसके बाद हम डाल देंगे इसमें जो लहसुन अदरक एंड हरी मिर्च थी। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो 1 हरी मिर्च और डाल लीजिएगा। तो इसको हम थोड़ी सी फ्राई कर लेते हैं। इन सब मसाले जो भी अभी हम डाल रहे हैं इसमें, इसका बस मेरे को थोड़ा सा हल्का सा इसको फ्राई करना है। ऐसा नहीं है कि इसको मेरे को ब्राउनिश करना है या फिर पकाना है, नहीं, बस इसको ग्राइंड करना है। तो इससे पहले हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर ले रहे हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, जो हमने रफली चॉप किया हुआ था, बड़े बड़े काट के रखे थे। तो क्योंकि हमें पीसना है तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही काट लिया था बड़ा बड़ा। तो अब हम इसको ऐसे फ्राई कर लेंगे। ये बस हल्का सा इसका जैसे कि थोड़ा सा पकना है इसको, ऐसा नहीं है कि इसको आपने ब्राउनिश करना है या ऐसा कुछ है। तो ये पक गया है, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो ये हमने टमाटर डाल दी, अब इसको भी हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। सॉफ्ट करने के लिए नमक डाल देंगे इसमें 1/2 चम्मच, जिससे इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा पकने में। टमाटर बड़े जल्दी पक जाता है नमक डालने पर, तो थोड़ा नमक हमने यहाँ डाल दिया है। और आप ध्यान रखिएगा, नमक हम ऑलरेडी 2 बार डाल चुके हैं, 1 बार राजमा बॉयल करने में और दूसरी बार यहाँ। तो फिर आप उस हिसाब से डालिएगा थोड़ा थोड़ा करके नमक। तो 1/2 चम्मच नमक हमने यहाँ पर डाल दी। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया, अब हमने गैस ऑफ कर दिया है। गैस ऑफ करने के बाद अब हम इसको ठंडा होने देते हैं और उसके बाद पीस लेंगे। तो ये हमने पीस के इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। पेस्ट अच्छे से बन चुका है। अब हम राजमा देख लेते हैं कि राजमा कितना पक चुका है। तो ये देख सकते हैं आप, राजमा बहुत अच्छे से पक गया है एंड
अच्छे से स्मैश हो रहा है, जैसे कि मतलब 4 से 5 सीटी में बहुत अच्छे से पक जाता है राजमा। तो इसमें पानी आप देख ही सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा है, ये हम यूज़ कर लेंगे सब्जी में, बस इसलिए हमने इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाला था। तो अब हम इस राजमा को हमने अलग कर लिया है पानी से, इसको थोड़ा सा स्मैश कर देंगे ताकि जब हम इसकी सब्जी बनाने लगें तो इसकी अच्छी ग्रेवी बन जाए। मतलब थोड़ी सी, सारा नहीं स्मैश करना है, बस थोड़ा राजमा इसमें स्मैश कर लेंगे ताकि ग्रेवी अच्छी थिकनेस आ जाएगी ग्रेवी में। तो बस ये हमने कर लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं सब्जी बनाते हैं, आई मीन राजमा बनाने के प्रोसेस में। तो यह हमने गैस जला ली है और अब हम रख रहे हैं इस पे एक कढ़ाई। अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। तेल आप कोशिश करें सरसों तेल ही यूज़ करें, क्योंकि राजमा में सरसों तेल यूज़ किया हुआ बहुत ज़्यादा, मतलब इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है राजमा में। तो ये डाल रहे हैं हम 1 चम्मच जीरा इसमें, तो थोड़ा सा जीरा को पका लेते हैं। एंड उसके बाद हम हल्दी तेल में ही डाल रहे हैं, 1 चम्मच हमने हल्दी डाल दी। एंड जो टिक्की मसाला थी मेरे पास वो भी हम तेल में डालेंगे। तेल में डालने से ऐसा होता है, आप किसी भी सब्जी में तेल में जब डालते हैं मसाला तो बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है सब्जी में। तो ये हमने पहले ही डाल दिया है मसाला। एंड इसको हल्का सा थोड़ा सा पकने देते हैं। गैस आप देख सकते हैं हमने कम किया हुआ है, क्योंकि गैस तेज़ रहेगा ये मसाले जल जाएंगे। तो गैस कम करके तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, उसके बाद आपने ये डाल देना है। तो अब हमने डाल दिया, अब जो पेस्ट हमने बनाया था मसाले का वो मसाला ऐड कर देते हैं इसमें और फिर हम इसको शुरू करते हैं पकाना। तो ये देख सकते हैं आप मसाला डाल दिया हमने, अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे 1 मिनट के लिए, मिक्स कर लेते हैं इसको मसाले के साथ। अब हम इसमें जो हमारे मसाले हैं वो हम इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे कि 2 चीज़ हमने हल्दी और मिर्ची तो इसमें ऐड कर चुके हैं। तो अब मेरे पास है नमक, ये जो नमक हम एज पर टेस्ट डाल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा नमक हमने तीसरी बार यूज़ किया है तो आप ध्यान से यूज़ करें। एंड इसमें हमने डाल दिया धनिया पाउडर 1 चम्मच। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और अब इस मसाले को पकने में हमें 5 से 7 मिनट लगेगा, जो कि हम बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे, चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लग ना जाए कढ़ाई में, और फिर धीरे धीरे करके पकाते रहेंगे। क्योंकि हर सब्जी की जान बस मसाले में होती है, मसाला जितना अच्छा आप फ्राई करोगे उतनी अच्छी सब्जी बनती है। तो ये हो गया, 2 मिनट के बाद हमने इसको खोला और हम एक बार फिर से इसको चला दे रहे हैं। तो इसको इसमें थोड़ी सी और इसको पकनी है, तो अब इसको हम आधा ढक्कन बंद करके पका लेते हैं। तो अब हमने खोला है एंड आप देख सकते हैं इसका रंग बदल रहा है ग्रेवी का, जैसे सब्जी बनी हुई, आई मीन ये जो मसाला है इसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये पक चुका है अच्छे से, अब हमें इसमें राजमा ऐड करना है। तो राजमा हम ऐड कर दे रहे हैं इसमें और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा बनेगा ये राजमा। एंड आप बस मेरे इंसिस्ट करने पे आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आप मतलब अगली बार से आप यही बनाओगे, आई एम वेरी श्योर। तो ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया इसके साथ। अब जो इस राजमा का पानी जब हमने उबाला था, जो पानी हमने अलग रखा था, वो पानी अब हम इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे, क्योंकि अब मेरे को इसको चावल के साथ, राजमा चावल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए बनाना है। तो अब हम चावल इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। आप अगर रोटी के साथ खाते हैं तो फिर थोड़ा सा पानी कम डाल लीजिएगा, तो मेरे को चावल के साथ इसको बनाना है। तो बस पानी हमने डाल लिया अच्छा खासा, अब हम इसको उबालेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं हम, ताकि ये अच्छे से इसमें उबाल आएगी, तो फिर ये थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा। और इसके ऊपर हम डाल दे रहे हैं हमारा आखिरी मसाला, जो कि है गरम मसाला। ये डाल दिया गरम मसाला और इसको थोड़ा सा चला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और उसके बाद हम इसको थोड़ा पकाते हैं अच्छे से। तो गैस मेरी आप देख सकते हैं तेज़ है, तेज़ गैस पे हम पका रहे हैं अभी तक, और ढक्कन हमने आधी लगा दी है। और 2 मिनट, बस 2 मिनट ही रखा था हमने, 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया, अच्छे से पक चुका है। तो गैस हमने ऑफ कर दिया है। इसमें अब लास्ट हम गार्निशिंग के लिए और अच्छे से
फ्लेवर के लिए डाल दिया हरा धनिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है सब्जियों के लिए। तो ये बनके मेरा राजमा तैयार है। आप बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको, आप ज़रूर ट्राई करना। एंड अगर जब आप ट्राई कर लें, पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।